सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जिले की थाना सदर सोनीपत पुलिस ने हत्या की घटना के मुख्य आरोपी एक दर्जन से अधिक हत्या प्रयास, लूट, डकैती, लड़ाई, झगड़ा और छीना झपटी की योजनाओं में संलिप्त शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित पुत्र हवा सिंह निवासी कंसाला जिला रोहतक, हाल लाजवंती गार्डन दिल्ली, अंकित उर्फ माया पुत्र धर्मवीर निवासी कामी, हाल ओल्ड फरीदाबाद, विकास पुत्र धर्मवीर निवासी कामी, हाल ओल्ड फरीदाबाद, दीपक उर्फ कमांडो पुत्र रामनिवास निवासी खिड़वाली जिला रोहतक और निखिल पुत्र रोशनलाल निवासी पुरखास अड्डा शहर सोनीपत के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल और 60,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने गन्नौर में पंजाब नेशनल बैंक में 5,00,000 की लूट की थी। आरोपी 5 व्यापारियों की हत्या की योजना भी बना रहे थे। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने के बाद हमने इंस्पेक्टर वजीर सिंह SHO सदर और एंटी इलीगल आर्म सेल इंचार्ज सुखबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिनके नेतृत्व में टीम ने बहुत ही अच्छा काम करके इन सभी 6 आरोपियों को और इलीगल आर्म्स को और जो रिकवरी जो डकैती में जो रिकवरी हुई है उन सभी को हमने इस टीम के द्वारा रिकवर करवाया गया। मुख्यतः हत्या के प्रयास और डकैती के अलावा टोटल इन 6 के 6 आरोपियों पर 14 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 14 केसेस में से 7 में ये सजा याफ्ता है और बाकी 7 में इनकी अरेस्ट पेंडिंग है। कितनी केस बताया? 14 केसेस सबकी सर। इसमें केस में कौन से हैं जो अभी केस अभी वो डिटेल आपको प्रोवाइड सारे 302 में कितने में है? 302 में जो मुख्यतः 4 हैं इसमें, जिसमें परवीन लाकरा, अंकित उर्फ माया और अमित सुल्तानपुरी दिल्ली से और विकास खामी से।